नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। कानपुर को जाम से निजात दिलाने के लिए होगा सही। पहले चरण में 35 किलोमीटर रोड नेटवर्क को किया जाएगा व्यवस्थित। 18 चौराहे होंगे रिमॉडल। कानपुर में साल दर साल जाम की समस्या विकराल होती जा रही है। इसको लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग ने ज्वाइंट टीम में काम करना शुरू कर दिया है। गुरुवार शाम को स्टेयरिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि पहले चरण में 35 किलोमीटर के रोड नेटवर्क का जाम सही किया जाएगा। इसमें 18 चौराहे भी व्यवस्थित किए जाएंगे। लखनऊ की संस्था करेगी शहर में सर्वे। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाकर फेज वाइज शहर के सभी महत्वपूर्ण चौराहों की रिमॉडलिंग के लिए एक्सपर्ट से अध्ययन कराया जा रहा है, जिसके लिए कानपुर स्मार्ट सिटी में शहर के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार किए जाने के लिए क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र ICUES लखनऊ को नियुक्त किया गया है। यह संस्था राज्य सरकार द्वारा शहरी विकास, यातायात एवं संबंधित विषयों पर अध्ययन करने के लिए एक नामित है। 18 चौराहे होंगे विकसित। इन सभी चौराहों के अध्ययन करने के लिए फंडिंग स्मार्ट सिटी द्वारा ग्रहण की जा रही है। आने वाले 2 महीने में इसका अध्ययन कर इन सभी चौराहों पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी जाएगी। बजट की उपलब्धता के आधार पर संबंधित विभाग से इन चौराहों को एक एक कर उनकी रिमॉडलिंग की जाएगी। इससे आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर शहर के महत्वपूर्ण व बड़े चौराहों पर यातायात की बेहतर सुविधा सुनिश्चित होगी। मीटिंग के बाद किया स्थलीय निरीक्षण। कमिश्नर राजशेखर ने बताया कि सबसे पहले टाटमिल चौराहे का निरीक्षण किया गया। यहां चौराहे पर छोड़े गए फ्री लेफ्ट की 25 दिन की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। ये काफी ठीक रहा। घंटाघर चौराहे से झकरकटी बस अड्डे की ओर जाने वाले दाहिनी ओर चौराहे पर गंजी स्मॉल बिल्डिंग बनी हुई है। पाया गया कि कुछ भाग PWD की जमीन पर बना हुआ है। नक्शे की जांच करने के निर्देश दिए गए। कमिश्नर ने 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। टाटमिल चौराहा होगा व्यवस्थित। DCP ट्रैफिक रविन्द्र त्यागी ने बताया कि बाबूपुरवा से टाटमिल की ओर उतरने वाले पुल के मीडियम को E45 कराया जाना आवश्यक है। आयुक्त ने PWD को इसके राइट ऑफ वे का परीक्षण 2 सप्ताह में इसे मॉडिफाई कराने और बाबूपुरवा से टाटमिल की ओर उतरने पर बाई ओर लगी जमीन के संबंध में 3 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। हटाए जाएंगे अवैध यूनिपोल। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RPS समाचार।